वार्ड नंबर 48 गुर्जर धरती सुखाड़िया उद्यान में लगा वैक्सीनेशन कैंप। 18 प्लस व 45 प्लस आयु वर्ग को लगाई गई कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज। शुक्रवार को वार्ड 48 के गुर्जर धरती स्थित सुखाड़िया उद्यान में विधायक प्रत्याशी हेमंत भाटी व क्षेत्रीय पार्षद चंचल बैरवाल के आग्रह पर चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया। भाटी और बैरवाल के प्रयासों से इलाके में लगवाए गए छठे कैंप में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। करीब 400 लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। मजदूर वर्ग का इलाका होने की वजह से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंचे, जहां व्यवस्थाएं बनाने में कार्यकर्ताओं को मशक्कत भी करनी पड़ी। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 और 45 से 59 आयु वर्ग के 400 लोगों को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। क्षेत्र में रहने वाले मजदूर वर्ग की सहूलियत के लिए वार्ड में ही बुजुर्ग महिलाओं, पुरुषों और युवाओं का वैक्सीनेशन करवाया गया। किस तरह का शिविर लगाया गया? आज वार्ड 48 के अंदर चंचल भैरवाल और हेमंत वाडी जी के द्वारा आज पहाड़िया उद्यान के अंदर वार्ड 40 में कोविड शील्ड का कैंप लगाया गया। अभी तक मेरे वार्ड के अंदर ये छठा कैंप है। इस कैंप के अंदर हमने करीबन आज तो हम 500 डोज लगा रहे हैं, मगर पूरे वार्ड के अंदर 4,500 या 5,000 के लोगों के बीच हमने वैक्सीन लगा चुके हैं। यानी हमारे जो वार्ड का रेशियो है वो 85% लोगों को हमने वैक्सीन कर चुके हैं। और मैं सभी जनता से ये अनुरोध करूँगा कि इंडिया के अंदर तीसरी लहर प्रारंभ होने जा रही है, तो सभी लोग वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता करें और अपने हाथ सैनिटाइजर से धोएं और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि तीसरी लहर और भी खतरनाक बताई जा रही है। तो सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि अपना वैक्सीन शील्ड जरूर लगाएं। इससे कोई भी परेशानी नहीं है, इससे कोई भी बीमारी नहीं है, ना ही कोई लोग मर रहे हैं। ये झूठी अफवाह है और सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं।